नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डे एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट्र इंडिया में एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन कोई तो भी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसके कारण पेशेंट का टेंशन बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल होना, या नई जगह पे शिफ्ट होना, या किसी की छेड़खानी होना, या शादी हो जाना, या जो जॉब हमें चाहिए वो न मिलना, या नए वातावरण में जाना, या स्कूल का चेंज होना, कोई बड़ी कैलमिटी आना सिटी में, या हस्बैंड वाइफ का ब्रेकअप हो जाना, ऐसी छोटी 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 चीजें हैं जिसके वजह से पेशेंट को टेंशन आने लगता है, उसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये है तो दिखने में बहुत ही मामूली डिसऑर्डर या मामूली बीमारी, लेकिन जो इसके इम्पैक्ट है वो बहुत ही गहरे है। प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी को जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, फिजिशियंस है, वो इसको डायग्नोस नहीं कर पाते। उनको ये बीमारी की गहराई समझ में नहीं आती और वो पेशेंट को खाली बातचीत करते एक दो मिनट और पेशेंट को भेज देते। इसके लक्षण क्या है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? इसके लक्षण बहुत सिंपल है। जो काम में मन लगता था उसमें काम न लगना, कोई भी चीज में घुल मिल न पाना, नए दोस्त न बनाना, अपने काम पे ध्यान न रहना, मन में एक डर लगना, चक्कर आना, घबराहट होना, पालपिटेशन होना, जी धड़कना, पेट में अंगार होना, पूरा बदन दर्द करना, रात को नींद न आना, भूख न लगना, प्यास न लगना, कोई भी चीज में इंटरेस्ट न दिखाना, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन न करना, पेरेंट्स से बातचीत न करना, ऐसे अलग 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 प्रकार के सिम्टम्स हमको एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में दिखते हैं। अब होता क्या है, धीरे 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 बीमारी बढ़ने लगती है और प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार ये बीमारी बढ़ने लग गई तो इसका इम्पैक्ट जो बाकी के एरियाज है, जैसे जो वर्किंग एरियाज है, जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा एकेडमिक, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरा जॉब में, जॉब एरिया में, फाइनेंशियल एरिया, रिलेशनशिप एरिया, ऐसे अलग 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 एरियाज में इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लड़की थी जो MBBS की, जो अभी भी आती है मेरे यहाँ फॉलोअप करती है, वो लड़की का नागपुर से यहाँ एडमिशन हुई और वो सडनली, मतलब शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, टॉपर थी, और यहाँ MBBS में आने के बाद सडनली वो चुप चुप बैठने लगी, बातचीत करना कम कर दिया, इंटरेक्शन कम कर दिया, उसको सुसाइडल आइडियाज आते थे। वो जब मेरे पास आई, और जब मेरे पास, वो पहले बहुत सारे फिजिशियंस के पास जाके आई थी लेकिन कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब वो मेरे पास आई तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इसको एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है। मैंने जब उससे बात की तो मेरे को ये ध्यान में आया कि उसकी किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने छेड़खानी की है, उसके बाद वो एक टेंशन में चली गई है जिसके कारण वो ओपन अप नहीं हो रही है। तो ये डायग्नोसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लड़की का मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, डायग्नोसिस करने के बाद मैंने काउंसिलिंग की और आज वो लड़की बहुत ही अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी को एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो व्यक्ति ने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बाद वो पेशेंट ने ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। मेनली इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। दो प्रकार के ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं, एक है मेडिसिन थेरेपी और एक है काउंसिलिंग थेरेपी। मेडिसिन में हम सिंपल सिंपल एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशंस देते हैं जिससे पेशेंट के जो विचार है वो कम हो जाते हैं और पेशेंट का कॉन्फिडेंस, मनोबल है, हैप्पीनेस है, वो बढ़ जाता है। सेकेंड है काउंसिलिंग करना पेशेंट का। काउंसिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेशेंट का जो स्ट्रेसर है, पेशेंट का जो इंसाइटिंग कॉज है, रूट कॉज है जिसके वजह से पेशेंट को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुआ है, वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से निकाल ले। पेशेंट को एक्चुअली दिखाना कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है और आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये पेशेंट को रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए पेशेंट के साथ काउंसिलिंग करना, पेशेंट के साथ कुछ सेशंस लेना, बिहेवियरल थेरेपी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हम पेशेंट को हिप्नोसिस, सम्मोहन सिखाते हैं। वो सिखाने के पश्चात पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है और पेशेंट के दिमाग के अंदर जो निगेटिव वैल्यूज है, जो निगेटिव आइडियाज भरी है, वो हम कंप्लीटली निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो बीमारी है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है।
और इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और भी वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।